हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद नंदिनी। मैं आपके साथ यहाँ पर अमेज़न हॉल शेयर करने वाली हूँ। अमेज़न क्लॉथिंग हॉल होने वाला है। उससे पहले अगर ये मेकअप लुक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आपको आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ गो एंड वॉच ये मेकअप लुक। मैंने स्वाति भामरा यूट्यूबर है उनसे इंस्पायर होके बनाया है। उनका एक रेड साड़ी में लुक था, उससे इंस्पायर होके मैंने ये लुक अचीव किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्टाइल विद नंदिनी। मैं हूँ नंदिनी। आज मैं आपके साथ अमेज़न हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये अमेज़न क्लॉथिंग हॉल होने वाला है। उससे पहले अगर ये मेकअप लुक आपने नहीं देखा है तो ये मेकअप लुक मैंने स्वाति भामरा यूट्यूबर है उनसे इंस्पायर होकर किया है। उनका एक रेड साड़ी में मेकअप लुक था, उनके जैसा करने की मैंने कोशिश की है। तो आप ये मेकअप लुक देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑन माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज का हॉल शुरू करते हैं। आज मैंने अमेज़न से ये प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। तो आज के हॉल में जो ये क्लॉथिंग हॉल होने वाला है, ये मैंने अमेज़न से क्लॉथ्स मंगवाए हैं। तो फर्स्ट इसमें कुर्ता, दुपट्टा एंड प्लाजो का सेट होने वाला है। इसका जो कुर्ता है वो वेलवेट का है, पिंक मजेंटा पिंक कलर का। ये ब्रांड जनसिया ब्रांड से है। इसे मैंने मीडियम साइज मंगवाया है। यहाँ पर बटन डिटेलिंग है। ये वेलवेट का पूरा प्लेन कुर्ता है, सिर्फ इसके हैंड पर ये जरजोजी से वर्क एम्ब्रॉयडरी की है। दोनों हैंड्स पर 3/4 हैंड्स है, सामने से राउंड नेक है, पीछे से भी ये राउंड नेक है। यहाँ पर एक की बटन जैसे लगाया हुआ है। देन ये इसकी पूरी लेंथ है, ये पूरा आपके नी से नीचे तक आएगा। देन इसके लास्ट में जो बॉर्डर है उसमें दो यहाँ पर लेस लगाई गई है। एंड ये पीछे से पूरा प्लेन है। तो फर्स्ट ये कुर्ता सेट में ये जो कुर्ता है ये वेलवेट का है, उसके साथ यहाँ पर ये रोज गोल्ड कलर का दुपट्टा रिसीव हुआ है। इसके एंड्स पर यहाँ पर ये टेसल्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये गोल्ड जरी गोल्ड का वर्क है। ये पूरा प्लेन दुपट्टा है, एंड्स पर सिर्फ यहाँ पर लटकन दिए गए हैं। देन लास्ट यहाँ इसमें एक प्लाजो मिलता है, दोनों तरफ से इलास्टिक है, इसमें पॉकेट्स नहीं है। कुछ इस तरीके का ये प्लाजो है। इसकी वेड़, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। तो फर्स्ट मैंने अमेज़न से जनसिया ब्रांड का ये कुर्ता सेट मंगवाया है। ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है।
सेकंड मैंने एक चिकनकारी कुर्ता मंगवाया है, इसका ब्रांड मुझे याद नहीं, एथनिक जंक्शन पता नहीं। ये भी कुर्ता मैंने मीडियम साइज में मंगवाया है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, मीडियम साइज का ये कुर्ता है। यहाँ पर स्लीव्स में, स्लीव्स के अंदर अस्तर नहीं है, ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी वर्क है। योक पार्ट में तो फुल हेवी एम्ब्रॉयडरी है, देन स्लीव्स में अस्तर नहीं है। यहाँ पर जो अस्तर है वहाँ वो सिर्फ यहाँ पर वेस्ट तक ही, यहाँ तक ही आ रहा है। देन इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट कुर्ता है, ये जो पूरा आप वाइट दिख रहे हो ये चिकनकारी वर्क है, ऊपर पतली बॉर्डर, पतली चिकनकारी वर्क है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम हेवी चिकनकारी वर्क आपको देखने को मिलेगा। इसका घेर भी काफ़ी बड़ा है। तो सेकंड मैंने अमेज़ॉन से ये कुर्ता मंगवाया है, इसका ब्रांड मुझे याद नहीं है। तो अमेज़ॉन से मैंने ये कुर्ता, एक कुर्ता सेट एंड सेकंड कुर्ता मंगवाया है, दोनों ही मुझे अच्छे लगे हैं, कपड़े की क्वालिटी, वगैरह सब दोनों की अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है, ये चिकनकारी कुर्ते की कहीं से भी निकली हुई नहीं है। तो अगर ये इन दोनों में से आपको कोई कुर्ता या कुर्ता सेट लेना है तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूँगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।